नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिए, सबसे पहले मैं बधाई दूंगी बसंत पंचमी की। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों, और इस मैं आशा करती हूँ इस बसंत पंचमी की तरह आप लोग सभी मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, हमेशा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहेगी। और ये मुस्कुराहट रहेगी आपके संघर्षों की, आपकी मेहनत के बाद जो फल आती है उसका। तो मैं आशा करती हूँ सभी के लिए कि ये बसंत आप सबकी जिंदगी में भी बसंत, नया बसंत लेकर आए। चलिए, आप देखिए, मैं आजकल ध्यान देती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन आया है, एक अभी है कि जो हरिहर लाल मेरे को भी पढ़ाया जाए, उनको भी मैं लेकर आऊंगी। आज का जो डाउट है वो ये है, क्योंकि हम आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, पर मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि हमें आर्टिस्ट कितने पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि प्राविधिक कला के बाद आप लोग आए हैं, तो आपको सिलेबस तो मैंने बता दिया था पूरा, लेकिन आर्टिस्ट मैं नहीं बता पाई थी। तो आर्टिस्ट आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कौन कौन से आर्टिस्ट और कितने आर्टिस्ट आपको पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, किसको कितना पढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, हम आर्टिस्ट तो पढ़ते हैं, मैं ये कहने लगूँ कि 100, 150 या 200 आर्टिस्ट ये हैं आपके UPTGT में, लेकिन उसमें से कितने आर्टिस्ट हमको पूरा पढ़ना है, कितने आर्टिस्ट को हमें शॉर्ट पढ़ना है, कितने आर्टिस्ट के बारे में सिर्फ हमें वन लाइन ही पढ़नी है, कितने आर्टिस्ट के हमें सारे चित्र याद करने हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है UPTGT के लिए स्पेशली, और PGT के लिए मैं ये कहूंगी। दूसरी चीज, एक चीज और है, शायद आप लोगों के लिए TGT PGT के लिए टेट होना अनिवार्य होने जा रहा है शायद, क्योंकि अगर टेट होगा तो इस साल तो नहीं होगा, अगर इस साल जो वैकेंसी निकलेंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपका हो सकता है हो जाए। तो आप सब लोगों को डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सब लोग तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। वन सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, कि वन सब्जेक्ट जो है आपका ये वाला आर्ट जो आप पढ़ रहे हैं पहले से, क्योंकि देखिए, जब स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते हैं जैसे TGT या सॉरी टेट के, तो वो इतने टफ नहीं आते। तो स्टार्टिंग में ही मैं कहूंगी कि मौके पे चौका लगा दीजिएगा, चौका नहीं सीधा छक्का लगाइएगा। कैसे? क्योंकि अभी अगर आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि TGT के लिए टैट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, BEd अनिवार्य होगा, ये अनिवार्य होगा, ग्रेजुएशन अनिवार्य होगा, क्योंकि मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप लोगों के कॉल्स भी आते रहते हैं, तो मैं उनको पहले ही बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए। आप ये सोचिएगा कि कुछ भी आए, हम तैयार हैं, हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ना नहीं छोड़ा है। क्योंकि जिसकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है वो कभी नहीं घबराएगा, कुछ भी दे दीजिए उसको, किसी भी चीज़ का एग्जाम दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट जो आने वाला है वो तो कन्फर्म है, आर्ट तो आपका आएगा ही आएगा, चाहे आपका टेट हो जाए, TGT हो जाए, या TGT में फर्स्ट पेपर जोड़ दिया जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए एक महीना ही काफ़ी है। और फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए एक पूरा बना के, कि किस तरीके से आपको अगर आता है तो फर्स्ट पेपर किस तरीके से रेडी करना है। क्योंकि DSSB में भी फर्स्ट पेपर आता है, HTET में भी फर्स्ट पेपर आता है, आपके KBS में भी फर्स्ट पेपर आता है, उत्तराखंड में आता था लेकिन वो इसी साल से, लास्ट ईयर से ही कम बंद कर दिया गया है, UPTGT की तरह से ही आपका आता भी है अब, क्योंकि उनके यहाँ निगेटिव मार्किंग है। यूपी में ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पर ना निगेटिव मार्किंग आपको दिखाई देती है, ना ही फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ पर अगर टेट आ भी जाता है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और जो मेहनत करता है वो किसी चीज़ से डरता ही नहीं है, राइट। चलिए, अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा सीधा आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है हमारे आर्टिस्ट कौन कौन से, हमें कितने पढ़ने हैं। तो वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जितना मैं आपको बता रही हूँ वो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, चलिए देख लेते हैं, साथ साथ बताते भी जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल शैली की, बंगाल शैली से हम आर्टिस्ट शुरू करते हैं, या मैं कहूँगी बंगाल शैली से नहीं, हम उससे पहले थोड़ा सा आ जाते हैं। तो जब हम कंपनी शैली पढ़ते हैं तो कंपनी शैली में हमारे सबसे प्रसिद्ध आर्टिस्ट आते हैं, जिसको हम कहते हैं, हमने जिनकी कलाकृतियां हम जन्म से अपने घरों में और देखते आए हैं और उनकी पूजा भी करते आए हैं, और हमें ये ही नहीं पता था कि ये कलाकृतियां एक ऐसे आर्टिस्ट की हैं जिनको हम आगे, जिनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, जिनको हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे राजा रवि वर्मा।
कंपनी शैली, तंजोर शैली जब आपको पढ़ाई जाती है तभी राजा रवि वर्मा को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। और मैंने शायद आप लोगों को अगर पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा, नहीं पढ़ाया है तो आप बताइएगा, मैं आपको इसको पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट जब मैं लेकर आऊंगी तो समय सबसे पहले हरिहर लाल मेहर पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे पास रिमांड आई है, मैंने कमेंट में आप लोगों का पढ़ा था, किसी ने कमेंट मुझे किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरी चीज, आ जाते हैं हम बंगाल शैली पर। तो हम यहां से शुरू करते हैं बंगाल शैली, ठीक, या बंगाल शैली में नहीं भी लिखू तब भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों को सारे ही पढ़ने हैं, राइट। चलिए कोई बात नहीं, बंगाल शैली में लिख देती हूँ या नहीं लिखू उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ के आर्टिस्ट हमको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जब हम बंगाल शैली पढ़ते हैं तो बंगाल शैली में जो बंगाल शैली के पिता कहलाते हैं या बंगाल शैली के जनक कहलाते हैं, जिसका नाम है अवनींद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, ठीक, टैगोर, ठाकुर, ठाकुर, अवनी बाहू, ये सब एक ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है। इसके बाद आते हैं आपके ईवी हैवल, इनको भी आप पढ़ेंगे क्योंकि इनके बिना ये अधूरे थे, इन्हीं के सहयोग से इन्होंने स्थापना की थी। दूसरे आएंगे आप मुकुल चंद्र डे, फिफ्थ आएंगे आपके नंदलाल बोस। देखिए बंगाल शैली में यदि मैं कहूं अवनींद्रनाथ के बाद किसी का स्थान आता है तो वह है नंदलाल बोस का, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने भी काफी सारे आर्टिस्ट को पढ़ाया है, शिक्षा दी है, और ये भी एक गुरु ही रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंदलाल बोस के बाद क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को, संत चित्रकार जिनको हम कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं असित कुमार हल्दार को, असित कुमार हल्दार। अब इसके बाद हमें पढ़ना है शैलेंद्रनाथ डे, शैलेंद्रनाथ डे, अब हम पढ़ेंगे गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, इनको हम विश्व गुरु या विश्व कवि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, मैं ये कहूंगी ऑल ओवर जितने मैंने लिखवाए हैं इनको आप पूरा पूरा पढ़ेंगे, जितना भी डिटेल आपको मिल सके उतनी डिटेल आप पढ़ेंगे। मैं ये कहूंगी जितनी डिटेल पढ़ेंगे उतनी ही कम है, क्योंकि पूरी तरह से इनकी इतनी डीप हिस्ट्री में घुस जाइएगा कि जिससे आपको ये लगे कि बिल्कुल हम इनको इनको प्रत्यक्ष, इनके जीवन को प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, इस तरह से आप देखेंगे। क्योंकि देखिए इनसे आपने भी एक चीज नोटिस की है, अभी तक जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो बहुत समय से एग्जाम दे रहा है, कि इनसे कहीं से भी कुछ भी चीज पूछ ली जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कुछ ऐसे आधुनिक और समकालीन आर्टिस्ट भी मैं साथ साथ ही लिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें डीप, मैं यहीं पर लिखा रही हूँ क्योंकि हमें डीप भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं डीप वाले ही अभी लिखवा रही हूँ जिनको आपको डीप पढ़ना है। अब हम लिखेंगे डीपी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी को भी आपको डीप पढ़ना है, कहीं से कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक। अब हम आ जाते हैं एमएफ हुसैन, इंडिया की बहुत बड़ी ब्रांड, कहना गलत ही नहीं है इनको। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं रामबीर सुतार, इनका तो प्रत्यक्ष रूप से मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए स्पेशली, इन्होंने खुद अपनी हिस्ट्री अपने आप बताई है, और बिल्कुल इस तरह से बताई है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं इनसे मिलने गई थी कि मुझे ये इतना सब कुछ इतना डीपली इस तरीके से बताएंगे, एक एक चीज, एक एक कार्य इन्होंने अपने बताए, बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा। आई होप आप लोगों ने भी इनसे सीखा होगा, क्योंकि मैंने, अब देखिए ऐसे ही कुछ और मैं आर्टिस्ट को आपके सामने लाऊंगी, लेकिन
अगर जानना चाहते हैं आप और भी आर्टिस्ट को ऐसे लाइव मिलना चाहते हैं, लाइव कलाकृतियों को देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती भी रहे और सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, क्योंकि देखिए वीडियोस बहुत सारा है, सारा आपको मिले तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए अब हम रविंद्र रामबी सुतार के बाद आ जाते हैं सीधा सीधा राम किंकर बैच पर। राम किंकर बैच, और राम किंकर बैच के साथ साथ मैं यहां पर लिखूंगी यामिनी राय, इनको भी आपको पूरा पढ़ना है। इनको जैमिनी राय भी कहा जाता है। अमृता सिरगिल, इनको भी आपको पूरा पढ़ना है। इनकी तो छोटी सी उम्र थी, 28 साल की उम्र में ही इन्होंने बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ कार्य किया था। अब लिखेंगे आप तैयब मेहता, तैयब मेहता की कई पेंटिंग्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तैयब मेहता को भी थोड़ा सा डीप आप पढ़ेंगे। एक सूजा आरा और रजा, सूजा आरा रजा, ये तीन कलाकार हैं, मैंने एक ही लाइन में लिख दिए हैं, सूजा आरा रजा, ठीक, इनको आप पढ़ेंगे। गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, अब्दुल रहमान चुगदाई, अब देखिएगा यहां तक, क्योंकि ये मैंने बताया कि इनसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है कुछ भी, शायद एक दो और रह जाएगा इसमें से, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। ये तो ऐसे आर्टिस्ट हैं, कितने हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि आप देखेंगे 30+ तो मैंने अपनी भी बुक में डाले हुए हैं, और अब मैं इसको अपडेट करूंगी तो और भी मैं इसमें बढ़ाऊंगी कुछ क्वेश्चंस आंसर्स पर बुक्स जो मेरी आई हुई थी, मैंने आप देखेंगे ये वाली बुक, मैंने इसमें भी आर्टिस्ट डाले हुए हैं, अब मैं इसको अपडेट करने वाली हूँ, तो इसमें मैं कुछ और आर्टिस्ट ऐड करने वाली हूँ और साथ साथ में इन्फॉर्मेशन दूंगी। चलिए वो बात की बात है कि इसमें और अदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, फिलहाल हम अभी आपको पढ़ाने वाले थे। अब देखिए ये तो हो गए आपके डीप वाले आर्टिस्ट, ध्यान से देख लीजिएगा इनको। अब मैं आपको कुछ और ऐसे आर्टिस्ट भी बताने वाली हूँ साथ साथ, एक इसमें आप धनराज भगत भी कर लें, मूर्तिकार हैं धनराज भगत, मूर्तिकार हैं तो पूछा जाता है इनसे, एक के हैबर। अब मैं आगे जितने भी आर्टिस्ट लिखा रही हूं वो ऐसे आर्टिस्ट हैं कि इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीजें पूछी जाती हैं, तो उन सिलेक्टेड चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब लिखेंगे सोमनाथ होर, सोमनाथ होर, सोमनाथ होर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा जाता है, क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, देखिए देवकी नंदन शर्मा से क्या पूछा जाता है, तो क्योंकि देवकी नंदन शर्मा कौओं और मोरों के चित्र इन्होंने बनाए थे, तो स्पेशली इन्हीं के लिए जाने जाते हैं। और ये मैं स्टार्ट, जब आपको लास्ट में ये सारे डिटेल वाले आर्टिस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं लास्ट में इन आर्टिस्ट के बारे में बताती हूँ, और एग्जैक्टली वही आते भी हैं। चलिए अब लिखेंगे कृपाल सिंह शेखावत, ये जयपुर की पोट्री के लिए जाने जाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जयपुर ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं ये। और देखिए सोमनाथ होर को हम जख्मों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और ये इनकी प्रसिद्धि थी एक छापाकार के रूप में जानी जाती है। अब लिखेंगे के हैबर, के हैबर मुर्गों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, चित्र इनका बहुत प्रसिद्ध है। अब लिखेंगे गणेश पाइन, गणेश पाइन, और एक कलाकार थे बंगाल शैली के,
जिनका नाम था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अभी, एक मिनट, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, विनोद बिहारी मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, इनको मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको, विनोद बिहारी मुखर्जी को थोड़ा सा डिटेल से, इनसे भी प्रश्न आता है। और सुखबीर सिंह सिंघल वॉश पेंटर हैं, हरिहर लाल बोस पेंटर से मुझे याद आता है, हरिहर लाल मेड़, सुखबीर सिंह सिंघल, और अंजू डोडिया, एक अर्पणा कौर, मृणाली मुखर्जी, मूर्तिकार हैं, अतुल डोडिया, इनके साथ साथ सीखेंगे अतुल डोडिया, ठीक, इनके साथ साथ लिखेंगे अतुल डोडिया, मृणालिनी मुखर्जी। अब मैं बाकी यहां पर आपको लिखवा देती हूं, तो आपको सारे आर्टिस्ट, कुछ अभी और आर्टिस्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे। अब लिखेंगे इसमें आगे, क्योंकि आर्टिस्ट अभी और भी हैं, के वेंकटप्पा, वेंकटप्पा ललित मोहन सेन, अकबर पद्मशी, अकबर पद्मशी, एक दो दिल्ली के आर्टिस्ट और हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, सूरत बहुत ध्यान आ रही है, तो उनको भी मैं लिखाना चाहती हूँ, चलिए तब तक ध्यान आ जाएगा। कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी, लतिका कट, लतिका कट, एक आर्टिस्ट से मैं आपको बहुत जल्दी मिलवाने वाली हूँ, एक क्योंकि महिला कलाकार हैं, अवतार सिंह पवार, अवतार सिंह पवार, और राम कुमार, ए रामचंद्रन, एक और हैं कृष्ण खन्ना, कृष्ण खन्ना, इनको बहुत ज्यादा नहीं इनके बारे में, इनको तो मैं मानती हूँ डीएसएसपी के फेवरेट हैं, काफी पूछा जाता है, लेकिन ये यूपी में भी आते हैं, कृष्णा रेड्डी को यहाँ भी यूपी में भी पूछा जाता है। जयराम पटेल लिखेंगे, जयराम पटेल, अवधेश मिश्र, अवधेश मिश्र, अर्पिता सिंह, अवधेश मिश्र, अर्पिता सिंह, अमरनाथ सैगल, चलिए और मैं लिखवा देती हूँ अभी साथ साथ, देखिए आप कितनी सारी लंबी लिस्ट हो जाती है। भूपेन खक्कर, भूपेन खक्कर, अमरनाथ सहगल, अमरनाथ सहगल, और सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता, भारती खेर, ज्योत्सना भट्ट, और अगर मैं याद करूं समीर मंडल,
सुधीर पटवर्धन, सुधीर पटवर्धन। तो देखिए जितने आर्टिस्ट मैं आपको लिखा चुकी हूँ इतने ही आर्टिस्ट आप मानेंगे अभी और हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ वन पॉइंट में पूछे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अभी कुछ आउट ऑफ माइंड हो गए हैं जिनकी सूरत मुझे याद रहती है क्योंकि मैं उनको देखती रहती हूँ, एंड कुछ के मैं नाम भूल गई हूँ, उनको मैं आपको बताऊंगी बीच बीच में क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताती रहूंगी। तो कंटिन्यू बने रहेंगे व्यूवर्स के माध्यम से और देखते रहेंगे बीच बीच में जो भी मैं आर्टिस्ट आपको बताऊंगी और भी, कि इनसे ये पूछा जाता है, इनसे ये पूछा जाता है, तो जुड़े रहेंगे। अब देखिए आप क्योंकि देख ही चुके हैं जब मैंने लिखवाए हैं तो इतने सारे आर्टिस्ट आपके निकल आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि और भी आर्टिस्ट आपके हैं तो आप सोचिएगा आपका सिलेबस कितना लेंथी है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक हम हैं तब तक आपको डरना नहीं है, एंड बने रहेंगे। और चाहे कोई भी टेट आ जाए या फिर आपकी निगेटिव मार्किंग आ जाए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो, तो आर्ट ज्ञान कला से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।